एक जनवरी से बदल रहा चेक से पेमेंट करने वालों के लिए नियम। यदि आप चेक से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2021 से चेक से पेमेंट करने के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए नियम से चेक पेमेंट में धोखाधड़ी और दुरुपयोग के मामलों को कम करने में मदद मिलेगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक से ही जारी होंगे। यही नहीं, ग्राहक चेक काटते समय खुद बैंक को उसे भुनाने वाले की जानकारी देगा। चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों ही जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लियरेंस बैंक करेगा। जानिए पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है। पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटेड फ्रॉड को पकड़ने वाला उपकरण है, जो क्लियरिंग के लिए प्रस्तुत चेक से संबंधित विशिष्ट जानकारी का मिलान करता है, जिसमें चेक नंबर, चेक दिनांक, रिसिपिएंट का नाम, खाता संख्या, चेक अमाउंट और पहले से जमा डिटेल और जारीकर्ता द्वारा दी गई डिटेल लिस्ट आदि को चेक किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम में पॉजिटिव पे की सुविधा डेवलप करेगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा। फिर बैंक की सर्विस को सभी खाताधारकों के लिए लागू करेंगे। ग्राहक बैंक को SMS, ATM, मोबाइल ऐप से चेक लिखने का ब्यौरा साझा कर सकेगा। जब भी बैंक को बैंक चेक मिलेगा तो ये डेटाबेस से डिटेल को वेरीफाई करेगा और यदि अकाउंट होल्डर द्वारा दी गई डिटेल मैच हो जाए तो पेमेंट करेगा। यदि किसी भी वजह से डेटाबेस से डिटेल मैच नहीं होती है तो बैंक चेक को अस्वीकार कर देगा। हालांकि ये सुविधा अकाउंट होल्डर की मर्जी पर ही होगी, मगर बैंक 5 लाख रुपए और इससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। RBI ने बैंकों को SMS अलर्ट, शाखाओं और ATM में डिस्प्ले के साथ साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इस नई सुविधा के लिए ग्राहकों में जागरूकता फैलाने को कहा। Okay, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।